तो मैं हिना अहमद आप सब लोग कैसे हैं उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे हैरित से होंगे और अपने घर में बिल्कुल सेफ एंड साउंड होंगे जी आ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और जी आज जैसे कि आपने पता ही है कि विंटर ज़ोरों पर है और जी विंटर से हमारा जो स्किन है वो बहुत ड्राई हो रही है डार्कनेस हो रही है और आ, कुछ पैचिस से बन जाते हैं फेस पर डार्क हो जाता है एरिया जैसे लिप्स के पास हो जाता है फोरहेड पे हो जाता है नोज़ के पास इन एरियाज़ में ना ज़रूर किसी ना किसी का तो होता ही होगा डार्क जरूर होता है तो इसके लिए ना मैंने आज जो है ना लेमन का फेशियल लेकर आई हूँ ग्लोइंग फेशियल है लेमन ग्लोइंग फेशियल है ये जो आपको घर पर ईजीली आप कर सकते हैं और देखें अभी मैंने वो किया ही है और मैं जस्ट वीडियो के सामने आ गई हूँ और देखें आप मेरे फेस पर कितना ग्लो आ रहा है खुद बहुत नेचुरल ग्लो है लेकिन यकीन करें इससे पहले इतना ग्लो नहीं था इसको करने से पहले और मुझे ये भी नहीं था कि इससे इतने ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे क्योंकि मैंने पहले किया था तो मैंने समर में किया था और आज मैंने अभी विंटर में किया आपको मैंने कहा देखें भी आपको कैसा लगा है तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड कमेंट ऑल्सो प्लीज अगर आपको अच्छा लगे तो जी मैंने इसको ना लेमन के साथ आप आ, इसको किया है लेमन हमारे घर में भी मौजूद होता है और लेमन ये होता है कि हमारे जो डार्क स्पॉट्स हैं डार्क हो जाते हैं इवन के आ, ऐसे स्पॉट्स जो पिम्पल्स के बाद भी रह जाते हैं पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छा है ये अगर आप पिगमेंटेशन पे लगाते हैं और इस तरह करते हैं तो आपके वो जो है ना जितना भी डार्कर एरिए ना वो लाइटर होता जाएगा ठीक है वो आपका डार्कनेस जो है ना ऐसा ऐसा लाइटर uh, होती जाएगी आपने वनस आ वीक कर लें ट्वाइस अ वीक कर लें और वन सा वीक कर लें वो ज़्यादा बेटर है ठीक है अगर आप uh, सर्दियों में दिल भी नहीं ना कर रहा होता है ऐसे कामों के लिए सो so, ये आप समर में भी कर सकते हैं और विंटर में भी कर सकते हैं नो प्रॉब्लम नो इश्यूज ठीक है तो फर्स्ट स्टेप जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया है और बाकी जो है ना आप देखें वीडियो आपको कैसी लगी है और आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए जी तो मैं अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट करने लगी हूँ नेक्स्ट स्टेप जो फर्स्ट स्टेप है सॉरी मैं वो स्टार्ट करने लगी हूँ फर्स्ट स्टेप में जो है हमने लेमन को अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसको हमने आ, साफ से छुरी के साथ इसको नाइफ़ के साथ कट करके हाफ में और अपना फ़ेस जो है पहले वॉश कर लें आपका फेस वॉश होना चाहिए तभी आप अपने फेस पर कुछ कीजिएगा तो ये जो है ना फर्स्ट स्टेप जो हमारी क्लिनजिंग है और इसका जो है ना हमने इसको लेमन को सर्कुलर मोशन में ही इसको अपने फेस पर लगाना है वो भी दो मिनट के लिए आपने

जो है वो मैं आपको मसाज क्रीम जो है मसाज के तौर पे मैं आपको ये दिखाने लगी हूँ इसके अंदर हमने वन टेबल स्पून एलोवेरा जेल डाली है इसके अंदर दो तीन देख लें मेरे पास एलोवेरा जेल जो पड़ी हुई थी आप चाहें तो आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं चार पाँच कतरे इसमें हमने ड्रॉप्स जो है ना वो लेमन के ऐड किए हैं मैंने और इसके बाद जो है लास्ट बट नॉट एटलीस्ट हमारे पास है ये सूदिंग जो है ग्लेसरिन ग्लैस्टरिन से ये होगा कि हमारा जो है बहुत ज़बरदस्त सा शाइनी सा जो है ना ये एक आ, आ, मसाजिंग क्रीम सी बन जाएगी और ये मसाज जो है ना हम करेंगे तो आपको खुद इसके रिजल्ट आएंगे हमने इसको मिक्स जो है ना वो मिक्सिंग 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 बहुत अच्छे तरीके से करनी है जितना अच्छे तरीके से मिक्स होगा उतना ही अच्छे हमारे रिज़ल्ट आएंगे ताकि ये सब चीज़ें जो है ना एक यकजान हो जाएँ अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ ठीक है तो आपने मिक्स करने के बाद जो है ना ये देख लिया मुझे लग रहा है ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया हुआ है ठीक है अब इसके जो माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स जो है ना आपको पता ही है एलोवेरा के कितने फ़ायदे हैं और उसके साथ साथ लेमन है जो हमारी जो है ना डार्कनेस को हमारे ब्लैक स्पॉट को जो है ना वो लाइट करता है स्किन पर जहाँ जहाँ ब्लैक पैचज आ जाते हैं ब्लैक एरिया हो जाता है सन की वजह से हम सन ब्लॉक नहीं लगाते उसकी वजह से तो ये हमारा बहुत ज़बरदस्त रहेगा ठीक है तो मैंने ये अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस के ऊपर अगर आपका ये लिक्विड अगर आपको लगे तो कोई मसला नहीं है आपका मसाज बहुत अच्छा स्मूथ होगा ये ना समझेगा कि इसका आ, स्मूथ मसाज नहीं होगा बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ मसाज है ठीक है और आपने इसको जो भी मसाज कीजिएगा इसको आपने सर्कुलर मोशन में ही मसाज करना है जिस तरह मैं आपको कर रही हूँ आपको दिखा रही हूँ करके सॉरी तो ये आपने सर्कुलर मोशन में ही इसको अप्लाई करना है देखिए फोरहेड पर सब अपने फेस पर हर जगह आपने अप्लाई करना है ठीक है अपने हैंड्स को मत भूलिएगा हैंड्स जो हैं वो डल हो जाते हैं ब्लैक हो जाते हैं तो इनको भी मत भूलिएगा अपने नेक एरिया को अपने फ़ेस को इसको अच्छी तरह फेस पर ही नहीं हमें नेक पर भी अपने हैंड्स पर भी लगाना होता है ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका फ़ेस तो बहुत लो कर रहा होता है लेकिन उनके हैंड्स फीट और नेक जो है ना उनके फ़ेस के साथ मैच नहीं हो रही होती वो इसी वजह से होता है कि अपने फेस पर, पर बहुत कुछ लगाते हैं नाइट क्रीम्स लगा रहे हैं डे क्रीम्स लगा रहे हैं मेकअप कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अपने हैंड्स को इग्नोर करें अपनी नेक को इग्नोर करें तो हमारी जो फ़ोटोज़ आती हैं या वैसे भी दूर से जो देख रहा होता ना उसको सब पता चल रहा होता कि यार फेस तो बहुत ब्राइट है और नेक इतनी ब्लैक तो जी अपनी नेक को भी इग्नोर ना कीजिएगा और जी मैं अपने हैंड्स पे लगा रही हूँ और देखें एंड में जो है ना ये बोले प्रेशर पॉइंट जरूर दिया करें फेस पे इससे जो है हमारी फाइन लाइंस वगैरह जो है वो रिमूव होती हैं और हमारी जो है ना स्किन टाइट रहती है ग्लो होती है ये प्रेशर पॉइंट होती हैं स्किन के फेस के जो है ना सॉरी ये हमारे प्रेशर पॉइंट होते हैं इनको मत भूलें तो इसको भी बीच बीच में करते रहना चाहिए ये अपनी नोज़ पर ज़रूर मसाज करें ये देखें ये स्टेप होता है नोज़ का हमने नोज़ को भी करना है ताकि इसके ब्लैक एयर्स डल स्किन डेड सेल्स जो हैं वो उसके अच्छी तरह डेड सेल्स जो है ना वो रिमूव हो जाए ठीक है और जो हमारा स्किन जो है ना वो ग्लो करे हमारी नोज़ ग्लो करे और जो हमारे पूरे फेस को आप देखिए ये जो स्टेप्स है ना आप एक बार स्टेप सीख लेना तो ये स्टेप ऐसे हैं कि आप सिंपल एक कोई भी आप टोमेटो से भी करते हैं ना आप किसी हल्की सी क्रीम से भी करते हैं तो आपका फेस जो है ना वो खुद बहुत ग्लो करने लग जाएगा तो आपके मसाज के स्टेप्स जो है ना वो अच्छे होने चाहिए ये नहीं कि आप जैसे मर्जी तैसे अपने फेस पर अपने हाथ मारें तो वो स्किन ग्लो करने के बजाय टाइट होने के बजाय फेयर होने की बजाय तो वो स्किन उल्टा हमारे फेस पर ना झूरियाँ आने लग जाती हैं अगर अगर हम सही इसको हाथ नहीं लगाते सही मसाज के स्टेप्स नहीं करते सो so, अगर आप चाहें तो नेक के नीचे भी आप ज़रूर कीजिएगा मैं इसलिए यहाँ तक नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरा जो है ना शर्ट का जो है ना वो थोड़ा हाई नेक टाइप है तो इस वजह से मैं नहीं कर रही हूँ अवॉइड कर रही हूँ ये देखें इस तरह आंखों के पास से फोरड के पास से ये आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है ये स्किन ज़रा थोड़ा सा आपने प्रेस करके और ये स्टेप करने हैं जो आपने मैंने आपको प्रेशर पॉइंट्स बताए हैं अपने हाथों को भी मत भूलें देखें अपने थम पर फिंगर्स पर एक एक फिंगर पर आपने इसको जो है अच्छी तरह से इसका मसाज करना है और इससे देखिएगा कि आपकी जितनी भी ब्लैकनेस है हाथों की तो वो सारी डलनेस जो है वो आराम से इसकी निकल जाएगी ये देखें क्योंकि सर्दियों में ना हमें अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है मुझे तो ज़रूर होती है कि विंटर में मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मेरे हाथों की स्किन जो है ना वो डल हो जाती है ब्लैक हो जाती है ड्राई हो जाती है और विंटर में समर में बिल्कुल सही रहती है और विंटर में हो ये प्रॉब्लम हो जाती है, जाती है तो विंटर में जो भी चाहे कर लो तो उससे अच्छे रिजल्ट नहीं आते लेकिन ये लेमन की वजह से जो है ना लेमन ग्रेसिन और ये जो हमने एलोवेरा जेल ऐड की है इसकी वजह से हाथों पर भी फ़ौरन ही ये लगाती है आपको ऐसा ज़बरदस्त अमेजिंग आपने कहीं जाना भी हो ना तो आप इसको आप अमेजिंग से है ना आप इसको ये करके भी आप मेकअप करके जाएंगे तो आपका मेकअप जो है ना बहुत ग्लो करेगा इससे बेहतर के मेकअप जो फट जाता है ना लोगों की कहते हैं मेकअप ख़राब हो गया फट गया तो वो ये वजह होती है कि स्किन पे ना सही तरह ड्राई होती है कुछ डलनेस होती है कुछ स्मूथनेस नहीं आ रही होती और इस तरह अगर आप कहीं जाना हो अगर आप ये एक बार करके भी जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे इफ़ेक्ट लगेंगे और आप बिल्कुल आप कॉन्फिडेंटली ना बैठेंगे सो so, हमारा ये भी स्टेप क्लियर हो गया अब एक्सफोलिएशन के लिए मैंने शुगर में एक कटोरी में एक बॉल में मैंने एक रखा हुआ था शुगर वन टेबल स्पून और उसमें मैंने हाफ़ लेमन जो है ना मैंने ये स्टार्ट करने से पहले ही ना हाफ़ टेबल स्पून रख लिया था चीनी का क्योंकि मैंने लेमन इसलिए डाल दिए रख दिया था कि थोड़ा सा वो जूस जो है ना लेमन जूस वो शुगर में ऐड हो जाए और थोड़ा सा ये लिक्विड सा बन जाए लिक्विड बनाना नहीं चाहती थी लेकिन वो थोड़ा सा सॉफ्टनेस देना चाहती थी कि मसाज करने के लिए ना आसान हो तो ये मैं लेमन के साथ ही शुगर को अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ अप्लाई करने के बाद मैं उन्हीं स्टेप्स में आपको इसका मसाज करके दिखाऊँगी ठीक है अब ये देखें मैं इसको अपने फेस पे लेमन के साथ आ, लगा रही हूँ इससे ये होगा ये एक स्क्रब बन जाएगा एक्सप्लोअ होगी हमारी स्किन और इससे हमारी जो डल स्किन है वो बिल्कुल जो है ना एक तय सी बन जाती है हमारी स्किन के ऊपर तो ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगी और आपको मैं बताऊँ कि आप इसको वंस अ वीक भी कर सकते हैं क्योंकि ये वो नहीं है केमिकल क्रीम्स नहीं है जो हम कहते हैं कि हम महीने में एक बार ज़रूर करना चाहिए ठीक है ये हमारे हाथ का है और ये हमारे घर की कुदरती चीज़ों का है तो ये हम अगर हफ्ते में एक बार भी कर लेंगे तो हमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे बल्कि हमें इसके अच्छे इफेक्ट्स ही आएंगे और स्किन जो है हमारी हमेशा ग्लो करती रहेगी कहीं जाने से पहले हम करेंगे तो हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे कि हमारी स्किन की जो बेस है ना वो ख़राब नहीं होने वाली है और तो और हमारे जो है ना हाथ भी बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे ग्लो करेंगे और सॉफ्ट रहेंगे और स्किन भी बेहद सॉफ्ट हो जाएगी यहाँ पे थोड़ा सा लेमन था मेरे आइस में चला गया था तो मुझे थोड़ा सा ना वो थोड़ी सी जलन दे रहा है और देखिए मैं किस तरह सर्कुलर मोशन में ही अपना जो है ये मसाज कर रही हूँ और आपको मैं बता नहीं सकती इसका इतना ज़बरदस्त सा थिक सा ये हो गया था स्क्रब इतना ज़बरदस्त बन गया था कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग इसके मुझे ना लगाते लगाते मैं फील कर रही थी कि इससे स्किन और हाथ जो है ना मेरे शाइन करने लगे थे सो so, ये थोड़ा सा ड्राई हो गया था तो मसाज के लिए जो मैंने इसको रोज़ वाटर अप्लाई किया अपने फेस पे रोज वाटर लगाया था ताकि जो है ना मेरा अच्छी तरह से मसाज जो है ना मैं कर सकूँ सर्कुलर मोशन में और ये देखिए मैं लगा रही हूँ और बाहर जो यानी आवाज़ जो आ रही है बारिश की आ रही है अगर शायद आपको आ रही हो तो ये बारिश की आवाज़ है मौसम बहुत ठंडा है और बारिश वाला है बहुत ज़बरदस्त हो रहा है मौसम भी और दाऊद आप क्या कर रहे हो अच्छा भी नहीं हो सकता थोड़ा सा दाऊद ना यहाँ पे प्ले कर रहा है कैरम बोर्ड से और मुझे तंग कर रहा है ओके okay. सो so, हम आ जाते हैं दोबारा स्टेप्स की तरफ ये देखें नीचे जो है अपने जो लाइन को ना भूलिएगा अपने फोरहेड को ना भूलिएगा इस तरह मसाज आप देख लें आप एक बार मसाज सीख लें जब आपने सही तरह मसाज करना स्टार्ट कर दिया है तो आप यकीन करें हल्के आप पानी से भी मसाज करेंगे ना किसी टोमेटो से किसी खाली लेमन को लगाने के बाद भी मसाज करें किसी भी चीज़ से आप मसाज करेंगे ना तो आपको ग्लो आएगा ही आएगा आपकी स्किन टाइट होगी ही होगी लेकिन आपको मसाज स्टेप अगर सही तरह नहीं ना आते मसाजिंग स्टेप तो आपको ये फ़ायदा देने के बजाय स्किन ग्लो टाइट होने के बजाय बल्कि आपको इसके बैड इफेक्ट्स आएंगे आपको झूरियां पड़ने लग जाएंगी स्किन लटक जाएगी तो जी आप जब भी मसाज करें तो ये स्टेप्स देख लें आगे वीडियो लगा लें उसको देख देख कर आप मसाज करेंगे तो आपकी स्किन पर खुद ब खुद इफेक्ट्स आएंगे और अपने फिर मैं आपको कहूँगी हाथों को मत भूलें हैंड्स पे भी आप इस तरह मसाज जरूर कीजिएगा देखें हैंड्स का भी बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है मेरे ग्लो कर रहे हैं हैंड्स आप देख रहे होंगे हैंड्स पर अच्छी तरह मैं एक एक फिंगर पे करके मसाज कर रही हूँ ताकि जी अच्छी तरह जो है ना मेरे हैंड्स की डलनेस जो है वो निकल जाए आपको पहले ही मैंने बता दिया कि बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राॅइंग हो जाते हैं सर्दियों में तो इससे बिल्कुल सही हो जाएगा जी अब मैं ये रिमूव कर रही हूँ और आपको फेस ठंडे पानी से धो सो फेशियल आपने देख लिया है आपको कैसा लगा है और इसमें जो जो स्टेप आपको अच्छा और मैं लास्ट में जो है ना मैंने रोज़ वाटर के साथ जो है ना ग्लैसरिंग को अपने फेस पर लगाया और अप्लाई की है इन द एंड ठीक है मैंने फेस पैक नहीं लगाया और इसको आपने ठंडे एंड में आपने ठंडे पानी से वॉश करने के बाद ड्राई करने के बाद आपने जो है ना इसको जो है आ, क्या कहते हैं इसको ग्लैसरिन रोज वाटर के साथ थोड़ा सा स्प्रे किया है स्प्रिंकल करने के बाद जो है ना मैंने इसको आ, थोड़ा सा ग्लेशरिन टू ड्रॉप्स अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर दिए एंड जस्ट इट और देखें आप ग्लो देख रहे होंगे कैसा आ रहा है ग्लो फेस पर ठीक है और आप मैं आपको बताऊँगी मैं जी इतना mind -blowing ये इतना माइंड ब्लोइंग लगा है ये फेशियल बहुत ज़बरदस्त लगा है इसके रिजल्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा ऑसम लगे हैं और बहुत ही अच्छे लगे हैं क्योंकि मैंने मुझे इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि इसके इतने ज़्यादा इफेक्टिव इफेक्ट्स होंगे क्योंकि मैंने भी नोट किया था मेरी थोड़ा सा डार्क हो रही थी डल हो रही थी स्किन तो दिल कर रहा था कि अच्छा सा कोई फेशियल करवाने को सो जब मैंने ये फेशियल किया तो इसके इतनी ज़बरदस्त रिजल्ट है तो मैंने कहा आप भी देखें इसके कैसे आपको भी अच्छा इफेक्ट आएगा और अगर आपको ये इसके अच्छे इफेक्ट आए लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अल्लाह टिल माई नेक्स्ट वीडियो टेक केयर गुड बाय